जय शिव शंभू दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग निफ्टी में आने वाले नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और निफ्टी की डायरेक्शन क्या हो सकती है, बेयरिश हो सकती है या फिर बुलिश हो सकती है और साइडवेज रह सकती है, कैसा सिनेरियो दिखा रहा है हमें इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टडी करने पर, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक ही पूरा, अभी हमने ट्रेंड लाइन लगा रखी है, देखिए रेजिस्टेंस पे एंड सपोर्ट लेवल पे। तो यहाँ पर इसने अभी तो नीचे सपोर्ट नहीं लिया है, और अगर आप नोटिस करेंगे देखिए पहले भी एक ऐसा पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया था, ओके, एंड अगेन अभी एक इसने ये दोबारा से फ्लैग बना लिया है यहाँ पर। अगर इसकी इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पर टच कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल फ्लैग एंड पुल पैटर्न है ये अभी। लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो इसकी क्या कंडीशन है, क्या टारगेट रहेंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल एक के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये अभी फ्लैग है और इसका पोल का टारगेट क्या आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक का ये इसमें टारगेट यहाँ तक आ सकता है। तो मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन करा तो मार्केट नीचे यहाँ तक जा सकता है, तो ये नॉर्मल डिस्कशन हो गया। अभी हम देखते हैं इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखिए गाइस, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, एंड अभी हमने एक पहले भी करेक्शन की बात डिस्कस की थी। टू पॉइंट्स हम दोबारा यहाँ डिस्कस करेंगे, एक तो बुलिश के लिए एंड बेयरिश के लिए, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो टू पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, अभी हम देखेंगे इन्हें। तो पहले अगर बुलिश की अगर पॉसिबिलिटी यहाँ देखेंगे तो गाइस इस लो को देखिए, इसमें टच नहीं किया है यहाँ पर, इसको जूम करेंगे अभी हम। ये देखिए इस कैंडल का जो लो था यहाँ पर, ये इसे टच नहीं किया है। तो इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो सकता है न्यू इम्पल्स का। कैसे, ये हो सकती है हमारी वन, यहाँ तक ये टू एंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मे बी ये थ्री हो सकती है, फोर एंड फाइव, ऐसे करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो यहां पर एक तो ये सिनेरियो, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे अगर थर्ड वेव के टारगेट देखते हैं, देखिए हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम है हमारा, अभी ये डेली टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है, तो यहां से यहां तक लाएंगे ये, और टारगेट अगर इसके देखेंगे तो गाइस यहां तक इसके टारगेट आ रहे हैं ये हमारा 19,641, ओके। तो अभी हम थर्ड की बात करेंगे क्योंकि अभी फोर्थ और फिफ्थ की बात तो थर्ड के बाद ही होगी, बट अभी थर्ड चल रहा है तो ओनली सिर्फ थर्ड की बात करेंगे। तो अब क्या हो सकता है गाइस, अगर इसको थर्ड वेव को यहाँ पर जाना है, इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो अभी ये कर रहा है इसने यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक वन हो गई, ये टू हो गई, और अभी ये टू का एक करेक्शन टाइप चल रहा है यहाँ पर, इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो हम एज अ थर्ड वेव की तरह उसे ले सकते हैं। तो जब तक हमें अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन एक बात हम जरूर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होता है थर्ड वेव के लिए, तो गाइस एक पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल आ सकता है। देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से, ओके, अगर ऊपर की तरफ मूव होता है थर्ड वेव के लिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ये 50% 60% एंड 70%, ये तीनों बहुत ही अच्छे एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकते हैं अगर मार्केट को रिवर्स होना है गाइस, ओके। हमने पॉसिबिलिटी बुलिश की अभी डिस्कस कर ली थी, उसी के अंदर से अभी हमारी बेयरिश की पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। तो अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहां से मार्केट कहीं से भी रिवर्सल दिखा सकता है। तो जब मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो हमें सोच समझ के ट्रेड करना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। और अगर 75% के ऊपर जाके 78% के ऊपर जाके इस चैनल के ऊपर यहाँ सस्टेन हो जाता है तो ये हमारा फिर बुलिश पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा हमें स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, स्टडी रख के चलनी है अपनी बुलिश मूव के लिए। अभी प्रॉपर हम बात करेंगे बेयरिश मूव की, इसको सबको डिलीट करेंगे, ओके गाइस। अभी जो हमने डिस्कस किए थे तीन रेजिस्टेंस, इसको हम नोट कर सकते हैं 16,909, 17,182 एंड नेक्स्ट है 17,586, ये तीनों एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। तो गाइस अगर अभी हम बात करें यहाँ पे बेयरिश की, तो बेयरिश में हमने लास्ट टाइम भी टू पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एक तो नॉर्मल करेक्शन, ओके, नॉर्मल करेक्शन एंड नेक्स्ट हमारा था डबल ज़िगज़ैग। तो ये हमारे टू पॉइंट्स हैं बेयरिश पैटर्न के लिए। तो यहां पर अगर फर्स्ट वाला हम देखेंगे नॉर्मल करेक्शन के लिए, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल करेक्शन एबीसी फॉर्म में ए बी एंड ये सी यहां तक जा सकता है सी के लिए, और सी में हमारे क्या होता है, फाइव वेव्स होती है, ये वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री के लिए नीचे आ रहा है, फोर एंड फाइव, ऐसे करके ये नीचे जाएगी
और इसका कुछ हमने टारगेट भी निकाले थे इसके, यहाँ पर कहेंगे डीप डाउन करेक्शन है ये, यहाँ तक हमने इसके टारगेट निकाले थे। तो ऐसे हमारा ये पहला बेयरिश पैटर्न हो सकता है। तो गाइस बेयरिश पैटर्न में जो हमारी थर्ड वेव है इसके अंदर भी कैसे काम चलता है, वो भी फाइव वेव होती है इसके अंदर। तो 1 2 हो सकता है, ये 3 चल रही है अभी, 4 एंड देन फिर 5 नीचे आएगी। तो ऐसे इसको समझना है आपको ये चीज, ठीक है। तो अगर हम थर्ड वेव का टारगेट निकाल के देखते हैं इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या आता है वो देखते हैं। तो हमारा थर्ड वेव का टारगेट आ रहा है यहाँ पर, ये नियर अबाउट 13,739। तो ये हमारा थर्ड वेव का टारगेट रहने वाला है गाइस, यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं फर्स्ट करेक्शन के अकॉर्डिंग। तो गाइस अगर मार्केट नीचे तक आ जाता है यहाँ तक, तो बेयरिश पैटर्न शुरू होने के बाद भी, ओके अगर यहाँ आएगा तो लोग एकदम बेयरिश हो जाएंगे, तो बेयरिश होने के बाद भी यहाँ से इसको रिवर्स होना पड़ेगा फोर्थ वेव के लिए, या फिर थोड़ा इसके नीचे ऊपर से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन फोर्थ वेव के लिए वो रिवर्स होगा यहाँ से। इतना ही हम आज डिस्कस करके चलेंगे क्योंकि ये काफी है 1 वीक के लिए, नेक्स्ट वीक हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कोई स्ट्रैटेजी रहने वाली है हमारी करेक्शन का पैटर्न फर्स्ट, अगर पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है नॉर्मल करेक्शन। अब हम बात करते हैं डबल करेक्शन की, इसके लिए इसे डिलीट कर देते हैं कोई यहाँ पर। तो गाइस देखिए यहाँ पर सब डिलीट हो चुका है, अभी हम बात करेंगे हमारा डबल जिगजैग। डबल जिगजैग में क्या होता है गाइस वो भी देख लीजिए आप। तो डबल जिगजैग में क्या होगा, हमारे टू जिगजैग पैटर्न होते हैं, वो कैसे देखिए, ए बी सी, ओके ये फर्स्ट जिगजैग हो गया, ये जो होता है इसे अभी हम छोड़ेंगे। तो सेकंड जिगजैग हमारा कहां से शुरू होता है, यहां से, ये ए, फिर ऊपर के लिए ये बी के लिए जा सकता है ऊपर की तरफ, और देन फिर नीचे आएगा सी। इस पूरे पैटर्न को जो हम काउंट करते हैं वो किसके अंदर काउंट करते हैं, डब्ल्यू ये एक्स एंड ये वाई, ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये हम ऐसे काउंट करते हैं डब्ल्यू एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर ये जो एक्स वेव है ये ऊपर कंप्लीट हो गई ऊपर जाके, और ये किसी भी फॉर्म में ऊपर जा सकती है, एबीसी या फिर 1 2 3 4 5 किसी भी फॉर्म में ऊपर जा सकती है। तो अब हमारा मेन पॉइंट क्या है समझने का, वो पॉइंट ये है कि अगर इसको डबल जिगजैग भी करना है तो भी मार्केट यहां से रिवर्स होके ऊपर जा सकता है। तो गैस यहाँ पर हमारे टारगेट क्या निकल कर आएंगे, देखिए दोबारा से हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ पर और ये लगाकर देखेंगे। तो जो पहले अभी हमने डिस्कस किए थे 3 टारगेट, 50%, 60% एंड 78%, ये 3 टारगेट हो सकते हैं। तो अगर मार्केट को डबल जिगजैग भी बनाना है, ठीक है, इसका डबल थ्री भी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है, तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो गाइज यहाँ पर मार्केट आके थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हमारे ये डिस्कस करते हैं हम यहां तक के लिए, और यहां से अगर रिवर्स होता है तो हमारा मार्केट इस यहां तक तो आएगा ही आएगा, इस चैनल के नीचे तक। तो ऐसे हमारा सिनेरियो रहने वाला है निफ्टी का इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अभी ये बुलिश जो मार्केट हुआ है, ज्यादा बुलिश नहीं होना है, हमने आपको डिस्कस बता दिया है कि बुलिश के अकॉर्डिंग भी ऊपर जाना है इसको, ओके अगर बुलिश हुआ है मार्केट तो भी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और अगर बेयरिश के लिए जाना है, बेयरिश में 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए 78%, मतलब 17,600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैक्स अगर चला भी जाता है तो यहाँ टच करके आ सकता है इस चैनल को, इस चैनल को टच करके नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।